देखिए थाल ऑफ फेट विजय के लिए और सूर्य के महाभारत से काफी सारी अपडेट आ गई है, तो इसीलिए सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। जहां तो पहले आप बता दो कि लोकेश कनकराज खुद ये पोस्ट भेज दिए हैं अपने सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध के साथ, और इसी के साथ लियो का सारा पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम, एडिटिंग और साउंड मिक्सिंग का काम खत्म हो चुका है, और आज से ही सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास फिल्म पहुंच भी गया है थिएटर में चलाने के लिए। वैसे थाला फटी विजय का लियो का एडवांस बुकिंग इंडिया में हर एक जगह चालू हो चुका है सिवाय अपने हिंदी मार्केट में। वैसे हिंदी में भी कुछ जगह पर ऑप्शन है एडवांस में लियो का टिकट बुक करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर शहर में लियो का कोई अता पता नहीं है। कहीं लियो का एक बैनर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी थिएटर में। लेकिन भाई बिना हिंदी ऑडियंस कहीं लियो का बड़ा ओपनिंग होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, विजय सर के लियो 100 करोड़ तो नहीं बट ये 60 करोड़ से ज़्यादा को ओपनिंग करेगा पहले दिन पूरी दुनिया के मार्केट में, और इसी के साथ लियो तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन जाएगी। शाहरुख खान के जैसा ही थाला फटी विजय का भी ओवरसीज मार्केट में बड़ा कलेक्शन होने वाला है। यूके, सिंगापुर, यूएसए सब जगह रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर से लियो का टिकट बिक रहा है एडवांस बुकिंग में। यानी कि भाई कमल हसन के विक्रम का रिकॉर्ड तोड़ने में लियो को ज़्यादा समय नहीं लगेगा बॉक्स ऑफिस पर। बस कुछ दिन में ही विजय सर विक्रम को पीछे कर देंगे हर एक चीज़ के मामले में। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके शहर में थाला फटी विजय के लियो फिल्म अवेलेबल है किसी भी थिएटर में या नहीं, हमें जरूर बताना कमेंट में। वैसे अब चलिए सूर्य की महाभारत पर आ जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे काफ़ी महीने से एक रूमर था कि सूर्य अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाने जा रहे हैं, वो भी भाग मिल्खा भाग फिल्म के डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा के साथ, और उस फिल्म का टाइटल होगा कर्ण यानी सूर्य महाभारत बनाएंगे हिंदी में आकर। तो भाई न्यू खबर ये है, अब ये फिल्म कन्फर्म भी हो चुका है। पिछले महीने सूर्य मुंबई भी गए थे ओम प्रकाश मेहरा के ऑफिस में शायद फिल्म का स्क्रिप्ट सुनने के लिए, और कमाल की बात यह है इस महाभारत का बजट भी अब रिवील हो चुका है। जी हाँ, मीडिया के अनुसार इस फिल्म को पूरे 600 करोड़ के बजट में बनाएंगे सूर्य, और इस कर्ण फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सल एंटरटेनमेंट, जो रणवीर सिंह की डॉन 3 भी बनाने वाला है। शायद इस फिल्म का शूटिंग सूर्य अपने सूर्य 43 फिल्म का काम खत्म करने के बाद ही चालू करेंगे। सो इंतजार किया जाए कब फरहान अख्तर अनाउंस करते हैं सूर्य की महाभारत फिल्म को। देखिए सूर्य की महाभारत के बाद उनके सूर्य 43 से भी एक अच्छी अपडेट सामने आ गई है। एक्चुअली भाई इस फिल्म के अंदर सूर्य एक कॉलेज स्टूडेंट का भी कैरेक्टर प्ले करेंगे, जिसके लिए सुधा कोंगरा जी उनसे उनका वेट कम भी करवाएंगे शूटिंग से पहले, और सूर्य कॉलेज लाइफ के बाद ही एक बड़ा गैंगस्टर बन जाएंगे इस सूर्य 43 फिल्म में। बाकी इसमें दुलकुल सलमान सूर्य सर के छोटे भाई का रोल प्ले करेंगे, और फिल्म का विलन हिंदी से विजय वर्मा होंगे, और सूर्य 43 का शूटिंग शायद दिसंबर महीना में चालू कर देंगे सूर्य सुधा कोंगरा जी के साथ। वैसे भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।